Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear friends, Assalamu Alaikum. My name is Sir Shafiq. I am English lecturer at Yashfa College. So dear students of first year class, आपके साथ आज मैं letter writing के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, जो कि आपका important question है exam के हवाले से. तो इसको आप तवज्जो से सुनें, समझें, और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आए या किसी तरह की एम्बिग्युटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव. लेटर राइटिंग का आपको सवाल जो पेपर में आएगा वो 10 नंबर का होगा, और उसके लिए कुछ बातों का आपने ख्याल करना है. इसके मार्क्स की डिवीजन होती है, अगर आप उसके मुताबिक इसको लिखेंगे तो 10 में से 10 नंबर हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा. तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको तवज्जो के साथ सुने और समझें, और उसके मुताबिक आपने लेटर को लिखना है. लेटर राइटिंग जब आप करते हैं तो इसमें 5 पार्ट्स होते हैं लेटर. इसमें पहला एलिमेंट एड्रेस, उसका एक नंबर होता है. द डेट, उसका एक नंबर होता है. द सैलूटेशन, द बॉडी एंड द सबस्क्रिप्शन. तो जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि एड्रेस, द डेट, द सैलूटेशन, द सबस्क्रिप्शन, इसके 4 नंबर होते हैं, और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, उसके 6 नंबर होते हैं. तो इन सारे एलिमेंट्स को आपने कैसे लिखना है, आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द लेटर. अब एड्रेस आपने यहां पे पर्सनल नहीं लिखना, बल्कि यहां आपने एग्जामिनेशन हॉल के का लिखना है, क्योंकि आप एग्जाम में शमूलियत कर रहे हैं. तो देखें, एग्जामिनेशन हॉल, इसमें आपने ख्याल करना है कि जब आपने एग्जामिनेशन लिखना है तो उसका ई बड़ा लिखेंगे, और उसके बाद जब हॉल लिखना है तो उसका एच बड़ा लिखेंगे, और फिर नीचे सिटी ए बी सी और फुल स्टॉप आप इस्तेमाल करेंगे. ये है आपका एड्रेस, इसका एक नंबर लिख मिलेगा आपको अगर आप इसको इसके मुताबिक लिखते हैं. फिर आती है डेट. डेट का फॉर्मेट मैंने सामने आसान सा लिखा है. डेट लिखते हुए आपने उस मंथ का इंतखाब करना है जिसके स्पेलिंग आपको आते हैं. यहां हर किस मकसद यह नहीं होता कि आपने जो पेपर की डेट है वो लिखनी है. मकसद डेट लिखने का यह है कि क्या आपको डेट का जो तरीका है कार वो आता है. तो यह सबसे आसान और एक्सेप्टेड जो डेट फॉर्मेट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है. वो ये है कि आपने पहले मंथ लिखना है, मंथ का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और उसके बाद आपने डेट लिख देनी है, उसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे, फिर आप ईयर लिखेंगे, और उसके बाद आप फुल स्टॉप होगा. तो ये आपका डेट हो गया. उसके बाद आ जाती है सेलिब्रेशन. मीन्स यू से कि आपने जिसको लेटर लिखना है उसको मुखातिब करना है. तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने माय डियर फादर लिखा है. आपने जिसको लिखना है आपने उसका नाम लिख देना है, माय डियर सिस्टर, माय डियर अंकल, एटसेट्रा. जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं आपने उसको मुखातिब करने के लिए माय डियर का इस्तेमाल कर लिया. उसके बाद नीचे इसकी बॉडी लिखते हैं, जो कि 6 नंबर पे मुश्तमिल होती है, और जैसा कि 6 नंबर बहुत अहमियत के हामिल है, तो आपने इसका स्टार्ट बहुत इंप्रेसिव वे में करना है. यू हैव टू इंप्रेस, आपने मुतासिर करना है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. तो उसके लिए आपने अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना है. तो ये आपको 6 नंबर देगी बॉडी. और उसके बाद आ जाता है
आपका सब्सक्रिप्शन मीन्स टू से आपने अलविदाई सेंटेंसेस लिखने हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, सलाम टू ऑल एट होम एटसेट्रा, और उसके बाद योर लविंग सन, इसके मुताबिक कि जो मैंने इसका सैल्यूटेशन में लिखा है जो उसके मुताबिक इसका योर लविंग सन आएगा। तो नीचे आपने कुछ अपना नहीं लिखना, जस्ट यू हैव टू राइट एक्स वाई जी। तो ये मुकम्मल माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट बता दिया, उसके पार्ट्स बता दिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इनको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आई होप यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम इफ यू फॉलो दिस। बेटर लक ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।